उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्षों के बीच होती भयंकर लड़ाई को साफ देखा जा सकता है। दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर से लेकर गोली चलने की नौबत तक आ गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्या कारण था जो लॉकडाउन में भी ये लोग इस तरह अपने घरों से बाहर निकलकर उत्पात मचा रहे थे, और इनके आपसी झगड़े के बीच में किसी बेकसूर को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। गन तोड़ ले, दोनों भाई हैं ये। आपको बता दें कि फायरिंग की ये लाइव तस्वीरें मुरादाबाद के थाना मेनाठेर के गांव मीलक गुरेर की हैं, जहां मकान के रास्ते को लेकर दो पक्षों में पथराव और हवाई फायरिंग की गई। ये दृश्य इतने डराने वाले हैं कि अगर आसपास के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए इस झगड़े को शांत ना कराया होता तो अंजाम कुछ भी हो सकता था। इस लड़ाई में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, और जहां भी नजर जाती है वहां सिर्फ लड़ाई और गोलियों के निशानों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में इंसानियत और भाईचारे की बातें सिर्फ हवा बनकर रह गई हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तुरंत घायलों को CHC कुंदरकी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोप लगाया गया फायरिंग हुई है, क्या मामला है? ये गुरेर में इसमें वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी जा चुकी है, अभी पंजीकृत किया जा चुका है, उसी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग घायल होंगे? इसमें घायल हल्की चोटें लगी हैं, कोई वैसी गंभीर चोट किसी को नहीं है, चोटें तो सबकी सामान प्रकट की हैं। सर गांव में जिस तरीका माहौल है वहां प्रशासन मौजूद नहीं है, पुलिस फोर्स नहीं है, तो क्या हालत रहेंगे गांव के? क्या नहीं, पुलिस फोर्स मौजूद है, कल से लगने के बाद वहां पिकेट बराबर लगी हुई है। जिसके साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मौके से दोनों पक्षों और आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इतना सब होने के बाद प्रशासन ने गाँव में पुलिस फोर्स को तैनात किया, ताकि इस प्रकार की घटना को कोई दोबारा अंजाम न दे सके, जिसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच करना भी शुरू कर दिया है। मुरादाबाद से न्यूज़ के लिए दानिश की रिपोर्ट।